सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब घर पे बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था अपने स्कूल के बारे में, और दूसरा प्रश्न था, क्या आपको स्कूल जाना पसंद है? हम स्कूल में क्या-क्या करते हैं? आप लोगों ने इसका उत्तर लिख लिया होगा कॉपी में। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा बोध। क, वह पढ़ता है। हम पढ़ते हैं। एक के लिए हम है का प्रयोग करते हैं, और अनेक के लिए हैं का प्रयोग होता है। खाली स्थान में है या हैं भरो। प्रथम, हमारे स्कूल में बहुत बच्चे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे दो है शब्द दिया हुआ है, लेकिन इन सब में डिफरेंस है, इसमें अंतर है। एक के लिए हम है लिखते हैं और अनेक के लिए है, वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ बिंदु लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हमारे स्कूल में बहुत बच्चे हैं, जो कि ये है, यहाँ पे लगेगा। रवि मेरी कक्षा में पढ़ता है। रवि अकेला है, इसीलिए हम है का प्रयोग करेंगे। मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है। तो मुझे क्या है बच्चों? एक है, तो हम है का प्रयोग करेंगे। वहाँ रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। बगीचे में एक फव्वारा है। तो बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे आप पेंसिल से लिख लीजिए। आइए अब हम अगला देखते हैं। ख, इन शब्दों से उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ। मित्र का क्या होता है बच्चों? शत्रु। नई, पुरानी। बहुत, थोड़ा। सुगंध, दुर्गंध। बड़े, छोटे। आपकी कॉपी में बच्चों विलोम शब्द भी दिया हुआ है, इस विलोम शब्द को वहां भी लिखिएगा। अगली कक्षा में मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए घर पे स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय।